वेलकम टू माई चैनल चीज बैग। आई होप आप सब घर पे हो। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे होम। और उसी के साथ आज की न्यू रेसिपी देखते हैं, मूंग दाल की कचौरी, जिसके साथ मैंने मीठी चटनी और पुदीने की चटनी की भी रेसिपी दिखाई है। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल क्रेविंग। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। मैदा 2 कप, घी 1/4 कप, पानी, नमक, जीरा और अजवाइन 1/2 चम्मच। अब एक बाउल में मैदा छान लीजिए, इसमें जीरा और अजवाइन डालिए, नमक स्वाद अनुसार, इसे अच्छे से मिलाएं। इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे और पानी डाल के इसका आटा गूंद लेंगे। कि अच्छे से मिलाने के बाद इसमें पानी डाल के आटा गूंद लिया है मैंने। इसे मैं 1/2 घंटे तक रखूंगी ढक के। यहाँ मैंने 1/2 कप मूंग दाल भिगाई है 2 घंटे के लिए। कचौरी बनाने के लिए स्टफिंग, मूंग दाल 1/2 कप, तेल, जीरा 1 छोटा चम्मच, धनिया के बीज 1 बड़ा चम्मच, सौंफ 1 बड़ा चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 छोटा चम्मच, नमक, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच, बेसन 4 बड़े चम्मच, गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच, अदरक 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग का पानी 1 छोटा चम्मच, पीसी हुई चीनी 1/2 चम्मच और आमचूर 1 छोटा चम्मच। मूंग दाल हमें पीस लेनी है। ध्यान रखिए कि हमें इसे ज़्यादा नहीं पीसना, 2 से 3 सेकंड तक ही मिक्सर चलाएं। ये देखिए, अब एक पैन में 3 चम्मच तेल गरम कीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, कुटी हुई धनिया के बीज, सौंफ, इसे हमें अच्छे से भूनना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बेसन। बेसन को कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सब स्पाइसेस, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, अदरक, काली मिर्च पाउडर, हींग का पानी, पीसी हुई चीनी, इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें डालेंगे काला नमक, कसूरी मेथी और पीसी हुई मूंग दाल। कम से कम हमें 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है। ये देखिए कलर कैसे चेंज हो गया है सबका, और हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब एक आटे का गोला लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमें बॉल बनाना है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे और इस तरीके से हमें बनाना है। ये देखिए हम इसे ऐसे बंद करेंगे, हमें इसे बाद में बेलना है। ये देखिए अब मैं इसे बेल लूंगी। ध्यान रखिए कि हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना, हमारी कचौरी फूलनी चाहिए तो हम थोड़ा इसे मोटा ही रखेंगे।
तेल गरम हो चुका है, हम इसे धीमी आंच पे कम से कम 5 से 7 मिनट तक तलेंगे। ये देखिए इसके पे कचौरी फूलने लगी है। धीमी आंच पे कचौरी तलिएगा और सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म कचौरी। तो चलिए अब देखते हैं चटनी के लिए इंग्रेडिएंट्स। नमक, लहसुन की कलियां 5, अदरक 1 इंच, हरी मिर्च 1 और जीरा छोटा आधा चम्मच, धनिया आधा कप, पुदीने के पत्ते आधा कप, चीनी आधा कप, लाल मिर्च पाउडर छोटा आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच और पानी। अब पुदीने की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे पुदीना, धनिया, लहसुन की कलियां, जीरा, हरी मिर्च और अदरक, चीनी 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और आधा कप पानी। इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। ये देखिए पुदीने की चटनी रेडी हो गई। मीठी चटनी बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप चीनी, उसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। इसकी चाशनी बनानी है हमें। इसे अच्छे से उबाल लीजिए। फिर उसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार और नींबू का रस 1 छोटा चम्मच। इसे अच्छे से उबाल लीजिए। ये देखिए मीठी चटनी रेडी हो गई हमारी। सर्व कीजिए कचौरी विथ स्वीट चटनी एंड मिंट चटनी एंड ग्रीन चिली।